हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं महादेव तिवारी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव देव पे। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से आप अपना आधार कार्ड खुद से डाउनलोड कर सकते हो, वो भी घर पे ही। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपको कोई सा भी एक ब्राउजर को ओपन करना है। यहाँ पे आपको लिखना है UIDAI, उसके बाद आपको एंटर करना है। यहाँ पे आपको सबसे पहले वाले लिंक पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का कुछ इंटरफेस आएगा, आपको दिखेगा माई आधार, इस पर अपना कर्सर ले जाना है। उसके नीचे ही आपको दिखेगा आधार डाउनलोड, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह का कुछ इंटरफेस आएगा आपके सामने, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे अपना आधार नंबर को डाल देना है, जो 12 डिजिट का आधार नंबर होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको कैप्चा फिल करना है, जो कि आपको यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद आपको सेंड OTP पर क्लिक करना है। फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि ये तब भी डाउनलोड कर पाओगे आप जब आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड के साथ लिंक हो, अदरवाइज आप ये नहीं कर सकते। तो आपके जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP जाएगा, तो उस OTP को आपको फिल करना होगा। सेंड OTP पे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल पर एक OTP गया होगा, उस OTP को आपको यहाँ पे लिख लेना है। फ्रेंड्स, OTP लिखने के बाद आपके सामने यहाँ पे दो क्वेश्चन आएंगे, तो यहाँ पे आपको यस कर लेना है। यहाँ पे विथ इन 5 डेज, इस पर भी आपको टिक कर लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। इसको दोनों को सिलेक्ट करना है। उसके बाद वेरीफाई एंड डाउनलोड, इस पर आपको क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो यहाँ पे मेरा आधार कार्ड जो है वो डाउनलोड हो गया है। अब आप इसको ओपन कर सकते हो यहाँ से, ये PDF फॉर्म में आएगा। यहाँ पे जो पासवर्ड मांग रहे हैं, ये पासवर्ड आपके नेम का 1st 4 लेटर होगा और आपका डेट ऑफ बर्थ का ईयर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। और वो भी 4 लेटर जो होगा वो कैपिटल लेटर में लिखा होगा। सपोज सीता, तो SITA, उसके बाद उसका जो भी डेट ऑफ बर्थ का ईयर होगा, सपोज 2021, तो 2021, तो ये पासवर्ड होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए मैं यहाँ पे पासवर्ड डालकर भी आपको दिखाता हूँ। ओपन फाइल पे क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो जैसे मैंने अपना पासवर्ड डालकर मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पे मेरा जो आधार कार्ड है ये आपके सामने डाउनलोड हो गया। तो इस तरह से आप अपना आधार कार्ड घर बैठे डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू।